अभी अभी आप 33,000 से जीते थे, आपके आप कितने वोटों से जीत सकते हैं? ये तो फिर भी मुझे उम्मीद है कि शायद ये मार्जिन कम नहीं हो पाएगा। सेवड़ा में क्या कुछ कर रहे हैं? सेवड़ा में तीन हमारे यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग लग सकते हैं, गन्ना की पैदावार बहुत हो रही है, शुगर मिल लग सकती है, बड़ी यहाँ धान की पैदावार बहुत है, राइस मिल लग सकती है, पोहा मिल लग सकती है और इस तरह के उद्योग लग सकते हैं, ITI है, ये सब खुली जाए जी। तो अभी कर पाएंगे जब सरकार बनेगी? नहीं बनी तो क्या करोगे आप? नहीं बनी तो लड़ाई लड़ेंगे। कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपके विरोध करने में लगे हुए हैं। टिकट की दौड़ में हम बहुत दौड़े लेकिन आप वो पीछे हो रहे हैं, बहुत सभाएं भी कर रहे हैं आप लग रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके सामने ना आ जाए? देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाले सिटिंग MLA का टिकट कटता नहीं है, जब तक मैंने आपको जीता हो आज़ादी से अभी तक सेवड़ा में इतनी मार्जिन से कोई जीता नहीं था। 3,365 का आवासीय परिसर है केवल, उसमें खेती नहीं होती, कोई और काम नहीं होता, तो मुझे कैसे कह सकते हैं बाहरी पुल तो ऐसे हैं जो इसी भाजपा की सरकार के ये 20 साल होने जा रहे हैं इसी कार्यकाल में बने, लांच का पुल बना, रतनगढ़ माता का पुल बना और आपके क्षेत्र में इंदौरी का पुल, वो भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसी सरकार के कार्यकाल में बने और इसी सरकार के कार्यकाल में बह गए। लोगों का ये भी सवाल है कि सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं, रात नहीं रुकते हैं। नमस्कार, आपकी जन अदालत से मैं हूं राजा भैया पाल, मैं समाज सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में हूं, जहां पर हमारे बीच में सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र की ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज हमें नहीं बल्कि पूरा दतिया उनसे परिचित है। हम बात कर रहे हैं सेवड़ा से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद, आपका भी स्वागत जी। पहला एक खुशखबरी तो हम आपको ये देना चाहेंगे, लगभग ऐसा माना जा रहा है आपका टिकट दोबारा से मौका मिल रहा है। हाँ, मिलना चाहिए। देखिए क्या है, लोग तरह तरह की अफवाह उड़ाते हैं लेकिन आप तो जानते हैं वर्तमान विधायक, तो वो भी जो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता हो आज़ादी से अभी तक सेवड़ा में इतनी मार्जिन से कोई जीता नहीं था, 32,000 वोट से वो जीता हो, तो उसका टिकट क्यों कटना चाहिए? कुछ कारण हो सकते हैं जिसमें कट सकता है। एक तो ये, या तो उसका स्वास्थ्य साथ न दे रहा हो, काम ही न कर पा रहा हो, अस्पताल में भर्ती रहता हो, गंभीर बीमार हो, कोई ऐसी बात हो तो कटना चाहिए स्वाभाविक है, या कोई बड़ा भारी घोटाला कर दिया हो जिसके कारण पार्टी को लॉस होगा, या कोई गंभीर आरोप है उसके ऊपर, तो ऐसी कहीं कोई बात है नहीं। मैं लगातार जनता के बीच जा रहा हूँ, एक्टिव हूँ, संपर्क में हूँ, काम कर रहा हूँ, अपने जो दायित्व है उसका निर्वहन कर रहा हूँ, तो क्यों कटना चाहिए टिकट? तो वो तो शुरू से ही क्लियर था, मुझे दोबारा मिलना ही है। सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो सनकुआ धाम है उसको पर्यटन के स्थल से देखा जाना चाहिए, लेकिन उसकी तरफ आपका ध्यान गया क्या? नहीं, ध्यान तो गया लेकिन मैं यही बता रहा हूँ क्या है, 1.25 साल की सरकार में इतने सारे विभाग हैं, सभी में एक साथ तो उपलब्धियाँ मिलती नहीं, एक एक करके मिल रही थी जब तक सरकार गिर गई, और बाद में विपक्ष का विधायक होने के नाते सत्ता में बैठे लोगों ने भेदभाव किया, हमारी बात ज़्यादा सुनते नहीं थे, हर चीज़ के लिए हमको लड़ना पड़ता था, सड़क पे उतरना पड़ता था, संघर्ष करना पड़ता था, तब उपलब्धि मिलती। जो बाढ़ आई 2021 में, उसमें 3 पुल बह गए, वो पुल आज तक बन के तैयार नहीं हुए, अभी 20 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे शिलान्यास करने सेवड़ा के पुल का, अगर 2-4 महीने में 6 महीने में वो स्वीकृत कर दिए होते तो इस समय उनको लोकार्पण करने आना चाहिए था, इतना हम लोग पिछड़ गए विपक्ष में होने की वजह से। और मुझे समझ में नहीं आता ये द्वेषपूर्ण राजनीति ये क्यों करते हैं, ये मेरा नुकसान तो कर नहीं पाएंगे। देखिए मेरा नुकसान तो जब हो, जब मैं हताश होकर घर बैठ जाऊँ कि मेरी चल नहीं रही है तो तब मेरा नुकसान होगा, मैं जब निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ तो जनता तो देख रही है कि ये तो हमने विधायक चुनाव अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, विधानसभा में भी लड़ रहे हैं, सड़कों पर भी लड़ रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मुझे तो नुकसान हुआ नहीं, नुकसान उन्हीं का हुआ कि उनने जनता के साथ द्वेष भावना के कारण जनता का नुकसान कराया। आप ये देखिए, मुझे कई लोग कहते हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये भावना क्यों आनी चाहिए, सेवड़ा की जनता ने मुझे विधायक बनाया रिकॉर्ड मतों से, तो सांसद में भाजपा के उम्मीदवार को जिताया सेवड़ा विधानसभा, आज सेवड़ा नगर पंचायत में, इंदरगढ़ नगर पंचायत में पार्षद अध्यक्ष सब उनके हैं, अधिकांश पार्षद सेवड़ा को, कांग्रेस के तो 2 हैं या 3 हैं उनके बनाए, जनपद अध्यक्ष जनपद उपाध्यक्ष वो उनके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष पूरी बॉडी उनकी है, सारी बॉडी उनके पास है, तो जनता ने तो न्याय किया, उनको जहाँ अच्छा लगा उनने भाजपा के उम्मीदवार को भी वोट दिया, मैं अच्छा लगा उनको लगा ये काम करेंगे तो मुझे दिया, फिर वो दुश्मनी क्यों पाल रहे हैं, क्या वो सांसद में अगली बार नहीं चाहते वोट?
क्या वो नगर पंचायत में सेवड़ा इंद्रगढ़ में अगली बार वोट नहीं मांगेंगे, ये उनको सोचना चाहिए। आपके सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में जो दफ्तर थे वो सारे दफ्तर धीरे धीरे चले गए। मैंने सत्ता वालों से सवाल पूछा तो उनका कहना है कि कांग्रेस का विधायक है इसलिए मंत्री जी ने प्रयास नहीं किया। देखिए वही बात है ना, कांग्रेस का विधायक है, भाजपा का सांसद नहीं है क्या जी? भाजपा की नगर पंचायतें नहीं है क्या? भाजपा की जनपद और जिला पंचायतें नहीं है क्या? जनता ने तो भाजपा को भी तो वोट दिया था। आप किससे दुश्मनी ले रहे हो, किससे बदला ले रहे हो, मुझसे ले रहे हो या जनता से ले रहे हो? तो ये भावना गलत है। दूसरी चीज दफ्तरों की बात क्या है, सेवड़ा में लंबे समय से दफ्तर जाते रहे। जब मैं सेवड़ा की मैं जनप्रतिनिधि भी नहीं था, PWD का दफ्तर था वो वहाँ से शिफ्ट हुआ, सिंचाई विभाग का दफ्तर वहाँ से शिफ्ट हुआ, एक आध और भी कोई दफ्तर शिफ्ट हुआ था। पहली बार उल्टी गंगा बही, बिजली ऑफिस सेवड़ा में खुला, DE का ऑफिस। और मैं आपको ये बता दूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मुझे चाहे वोटों का नुकसान हो जाए, मैं स्पष्ट बात कहता हूँ, सेवड़ा जो डिवीज़न बना, जो ई सेवड़ा में बैठता है, दफ्तर खुला, उस ई का कार्य क्षेत्र में पूरा सेवड़ा विधानसभा है, पूरी भांडेर विधानसभा है। पूरी सेवड़ा विधानसभा का मतलब सेवड़ा तहसील, इंद्रगढ़ के तहसील और भांडेर तहसील। और जब वो दफ्तर खुल रहा था, मेरे भांजे मंत्री थे, मेरे प्रयास से खुल रहा था, तब बिजली विभाग के लोगों ने इंद्रगढ़ मुख्यालय प्रस्तावित किया था कि इंद्रगढ़ से भांडेर भी कवर हो जाएगा, सेवड़ा भी हो जाएगा, सेंटर में इंद्रगढ़ है। लेकिन क्योंकि सेवड़ा के साथ पूर्व में अन्याय होता रहा, कई दफ्तर वहाँ से चले गए, तो मैंने जिद करके मंत्री जी से व्यक्तिगत बात करके इंद्रगढ़ से बदलवा के सेवड़ा किया। इंद्रगढ़ के लोग मुझसे नाराज़ हो सकते थे, लेकिन मैंने रिस्क लिया। सेवड़ा के साथ अन्याय हमेशा होता रहा, एक बार तो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, इंद्रगढ़ को हम और चीज़ें देंगे। तो ये पहली बार हुआ, ये आपको नहीं बताया होगा कि एक दफ्तर आया भी सेवड़ा जब हक नहीं बनता था। अगला सवाल आपसे करना चाहेंगे, लोगों का ये भी सवाल है कि सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहते हैं, रात नहीं रुकते हैं। देखिए आप किसी भी जिले में चले जाओ, विधायक ज़्यादातर जिला मुख्यालय पर रहते हैं, ज़्यादातर। एक आपके यहाँ की डॉक्टर गोविंद सिंह अपवाद हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका कद बड़ा है, वो मंत्री हैं, तो भी लाहौर महीने में कितने दिन रह पाते होंगे, भोपाल भी रहना पड़ता है उनको, ग्वालियर भी रहना पड़ता है, कभी कभी दिल्ली भी जाना पड़ता है, तो वो तो मैंने बताया एक अपवाद है, फिर भी वो लाहौर मुख्यालय उनने बना रखा है। बाकी आप जिलों में देखिए, ग्वालियर जिले के जितने विधायक हैं अधिकांश ग्वालियर में रहते हैं, शिवपुरी जिले के विधायक हैं शिवपुरी में रहते हैं, तो जिले में कोई रह रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? और जहाँ तक बाहरी का सवाल है, मुझ पर बाहरी होने का आरोप नहीं लग सकता। सेवड़ा पूरे विधानसभा क्षेत्र में आवासीय इकाइयाँ जितनी हैं, लोगों के बाग बगीचे हैं, फार्म हाउस हैं, लोगों के मकान हैं, बड़े हैं छोटे हैं, जनप्रतिनिधियों के, कोई बता दे सेवड़ा में हमारे परिवार से बड़ी आवासीय इकाई किसी की है क्या? सेवड़ा का किला जो हमारा निजी है 65 बीघा में फैला हुआ है, 65 बीघा का आवासीय परिसर है केवल, उसमें खेती नहीं होती, कोई और काम नहीं होता, तो मुझे कैसे कह सकते हैं बाहरी? अब बाकी सुविधा की बात होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया और विधायक भी जिला मुख्यालयों पर रहते हैं, इसलिए कि जिला मुख्यालय से ज़्यादा आप कंट्रोल कर सकते हो, सुविधा होती है, यहाँ मीटिंगें हो रही हैं, कलेक्टर SP जिले के अधिकारी बैठे हैं, उनसे आपको संवाद करना हो कुछ करना हो तो सुविधा ज़्यादा रहती है। विधायक का कर्तव्य निर्वहन करने में भी सुविधा ज़्यादा होती है, विधायक का ये मतलब नहीं होता कि अपने घर में गाँव में रहे 24 घंटे और कभी कभार बाहर जाए तो वो विकास ही नहीं करा पाएगा, उसे जिला मुख्यालय भी जाना पड़ेगा, उसे संभागीय मुख्यालय में भी जाना पड़ेगा, कमिश्नर से मिलने, IG से मिलने, उसे भोपाल भी जाना पड़ेगा, मीटिंगों में जाना पड़ेगा। तो परमानेंट निवास अगर कोई बहुत दूर के इंटीरियर का गांव है जहां 4 किलोमीटर पैदल कर चल के जाना है और विधायक वहीं रहे, ये अच्छी बात है क्या? वो विकास करा पाएगा क्या? तो सेवड़ा में मैं परमानेंट निवास अगर कर लूँ तो मैं कम सेवा कर पाऊँगा सेवड़ा विधानसभा की। और दूसरी चीज़, सवाल ये होता है कि आप जनता के संपर्क में हैं या नहीं, निवास से यही तो मतलब होता है कि आप वहाँ अगर क्षेत्र में निवास कर रहे हैं तो ज़्यादा संपर्क में रहेंगे। हाँ। तो ये मुझे कोई आरोप लगा दे मेरे ऊपर कि मैं संपर्क में नहीं हूँ, जो लोग स्थानीय रहे पहले रहे होंगे उनका आप देख लीजिए, वो ज़्यादा संपर्क में रहे या मैं रहा संपर्क में। मैं हफ्ते में 5 दिन तो सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाता ही हूँ, उन 5 में से 4 दिन सेवड़ा प्रॉपर भी जाता हूँ। जब प्राकृतिक आपदा आई तो दोनों पुल ध्वस्त हो गए, भिंड के भी पुल ध्वस्त हो गए, और जो अंग्रेजों के समय का जो पुल बना हुआ था वो पुल आज भी सुरक्षित है, तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार हुआ होगा इसमें? ये तो आप स्वयं ही सोच सकते हैं, जो 1940 में जो पुल बना हुआ आज सुरक्षित है उससे काम चलाऊ
काम चल रहा है, क्योंकि वो छोटा है साइज़ में, पूरा ट्रैफिक नहीं निकल पा रहा, लेकिन आज भी सुरक्षित है। और जो पुल बाद में बने, दो पुल तो ऐसे हैं जो इसी भाजपा की सरकार के ये 20 साल होने जा रहे हैं, इसी कार्यकाल में बने, लांच का पुल बना, रतनगढ़ माता का पुल बना, और आपके क्षेत्र में भी इंदौरी का पुल, वो भी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, इसी सरकार के कार्यकाल में बने और इसी सरकार के कार्यकाल में बह गए, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन पुलों के फिर पुनर्निर्माण के लिए बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, ये सरकार की घोर लापरवाही है। अगला सवाल करना चाहेंगे, लोगों की आपके प्रति ये सिंपैथी भी है कि कुंवर साहब ने यदि किसी के साथ अच्छा नहीं कर पाया तो बुरा भी नहीं किया है, एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, तो हम तो ऐसे ही विधायक चाहते हैं, कहीं कहीं से ये भी खबर आती है। देखिए क्या है, अच्छा करने का प्रयास तो बहुत किया, अब मैं गिनाने लगूंगा तो बहुत गिना सकूंगा, अच्छा भी किया, लेकिन ठीक है, अच्छे की आकांक्षा इतनी होती है कि कभी कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। जनता ये नहीं कह सकती कि नहीं, हम 100 में से 100 अंक ले रहे हैं, हमने जो भी अच्छा चाहा विधायक ने पूरा किया, कहीं ना कहीं पूरा तो हो नहीं पाता है, आकांक्षाएं भी बहुत होती हैं, सीमित साधन है, नियम कानून है, उसमें रह के काम करना पड़ता है। तो ठीक है, लोगों को लग रहा होगा कि उनकी उम्मीदों के अनुसार पूरा अच्छा नहीं कर पाए, हाँ, लेकिन सही बात है, बुरा का तो कोई आरोप लगा ही नहीं सकता, बुरा तो मैंने किया ही नहीं किसी का, मैं कभी स्थानीय झगड़ों में राजनीति में नहीं पड़ा। आपके सेवाड़ा विधानसभा में क्या उपलब्धि रही 5 सालों में? देखिए 5 साल में ज़्यादातर समय तो विपक्ष की भूमिका निभाना पड़ा, क्योंकि हमारी सरकार जो वोटों के दम पर जीती थी, उसे नोटों के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने हथिया लिया, गिर गई सरकार। वो 1.25 साल की जो सरकार थी कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली, उसमें कुछ ज़्यादा उपलब्धियाँ हमें मिली, और अगर वो सरकार बनी रहती तो शुरू हमेशा ये होता है, शुरू में 6 महीने तो शुरुआत में ही बीत जाते हैं, लोकसभा चुनाव भी आ गए, आचार संहिता लग गई, अगर वो सरकार रहती तो जिस गति से 1.25 साल में हमें उपलब्धियाँ मिली, उससे दुगनी और चौगुनी गति से उपलब्धियाँ निरंतर मिलती पूरी 5 साल, तो इसलिए थोड़ी सी कमी रह गई। लेकिन मैं पहले बताता हूँ, 1.25 साल के पीरियड में एक तो विद्युत के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हुई सेवड़ा में, हमारे दतिया में एक DE का ऑफिस था, पूरा जिला वो संभालते थे, मैंने प्रयास किया, मेरे भांजे प्रियव्रत सिंह ऊर्जा मंत्री थे, उनने विशेष कृपा की और यहाँ सर्कल ऑफिस सेंक्शन की, ऐसी दतिया में बैठने लगे और 5 DE उनके नीचे, जिसमें सेवड़ा में भी DE ऑफिस खुला, तो उससे जनता को बहुत लाभ मिला। दूसरी बात, 8 विद्युत सबस्टेशन 33/11 KV के स्वीकृत हुए उस 1.25 साल के पीरियड में, जो बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र हो मध्य प्रदेश में जिसमें 8 स्वीकृत हुए, 5 का कुछ का तो निर्माण होके उसी पीरियड में लोकार्पण भी हो गया, चालू हो गए थे, कुछ निर्माण शुरू हो गया था, बाद में सरकार गिरने के बाद, मेरा मतलब है, वो बनते गए, चालू होते गए। 3 सबस्टेशन ऐसे थे जो आखिरी महीने में मार्च में स्वीकृत हुए थे, बजट में शामिल किए गए थे, और वो सरकार गिरते ही 2020 में नई सरकार शिवराज सिंह जी की जो बनी, उनने 1 महीने के अंदर वो तीनों निरस्त कर दिए, 18 और रडुआ जीवन और एक तीसरा खैरोना, अगर वो निरस्त नहीं किए होते तो बिजली की बहुत बड़ी क्रांति सेवड़ा में होने जा रही थी। इस साल जो धान की फसल के टाइम कमी पड़ी थी, कमी आई थी, वो बिल्कुल नहीं आती, तो ये बिजली के क्षेत्र में बहुत, इसके ये तो सबस्टेशन स्वीकृत हुए, उसके अलावा जर्जर लाइनें बहुत बदली गई, जो वर्तमान सबस्टेशन थे उनमें भी 3-4 जगह अतिरिक्त PTR यानी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर 5 MVA के लगे, यानी नया जो सबस्टेशन बनता है उसमें 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगता है, और पहले से जो सबस्टेशन में तो उन्होंने अतिरिक्त 5 MVA का लगा दिया, तो क्षमता दूनी कर दी, तो बहुत बड़ी चीज़ है, 5 सबस्टेशन नए बने और 3-4 सबस्टेशन में नए ट्रांसफार्मर लगे, मतलब उनकी क्षमता दूनी हुई। उस साल मुझे याद है अच्छी तरह, एक ही साल में, आपको सुन के ताज्जुब होगा लेकिन आंकड़े हैं, उसी वर्ष में एक ही साल में हमारे सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र में धान का रकबा 2.5 गुना बढ़ गया था, मान लो 100 हेक्टर था तो 250 हेक्टर हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी धान की फसल हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, इसी वजह से बिजली की उपलब्धता बढ़ाई गई, सबस्टेशन बढ़ाए गए, तार बदले, जर्जर लाइनें बन गई, तो और उसके बाद निरंतर हर साल रकबा बढ़ रहा, इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा लेकिन हर साल बढ़ रहा है, वो 3 सबस्टेशन बन गए होते तो इस साल जो समस्या आई वो नहीं आती। तीसरी बात, ग्रामीण सड़कों के बारे में हमें उपलब्धि मिली, 5
ग्रामीण सड़कें पीडब्ल्यूडी की स्वीकृत हुई, किटाना से नीमडाना से किटाना, भर्रौली से स्यावरी, सिलोरी से थैली, जौरा से बराना, कितनी 6 सड़कें हुई थी, तो ये सारी स्वीकृत हुई, वो भी उसी साल हुई। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी की कोई नई सड़क स्वीकृत थी, एक दिगवा से मेहरौली भी हुई थी, महत्वपूर्ण सड़कें हुई थी, जिनमें ज़्यादातर बन के तैयार हैं। एक या दो सड़कों में थोड़ा विवाद ठेकेदार से ये वो उसकी वजह से भी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन बाकी सब सड़कें बन गई, सुविधा मिली। प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी फेज 3 में 4 बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हमें मिली और चारों बन गई, चालू हो गई। धीरपुरा से गोराघाट 13 किलोमीटर, मगरौल से रोहेरा 13 किलोमीटर, थर्ड से टोड़ा 4 किलोमीटर, और एक और है जुझारपुर से सिलोरी 4 किलोमीटर। तो काफ़ी कुछ फेवड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है। मैं 2013 में पहली बार लड़ा था चुनाव, तो बहुत बुरी हालत थी। ग्रामीण पहुंच मार्ग नहीं के बराबर थे, कच्चे रास्ते थे, अधिकांश गांवों में बरसात में पूरी तरह कट जाते थे। आज इन सब उपलब्धियों की वजह से काफ़ी कुछ हालत ठीक हो गए हैं, और हमारी सरकार 5 साल चलती तो और हालत ठीक होते। इसके अलावा एक बड़ी उपलब्धि रही, सेवड़ा में नल जल योजना स्वीकृत हुई, नई जलावर्धन योजना, जो पहले प्रस्ताव बन के गए थे 14 करोड़ के, 16 करोड़ के, फिर कैंसिल हो गया था। मैंने विधायक बनने के बाद पुनः टेकअप किया, उसमें जयवर्धन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा, वो नगरीय विकास मंत्री थे, उनने वर्ल्ड बैंक की टीम को बुलाकर अकेले सेवड़ा के लिए मीटिंग करवाई डायरेक्ट्रेट में भोपाल में, दिल्ली से टीम आई थी, और पुनः वो योजना स्वीकृत हुई और 28 करोड़ की स्वीकृत हुई, जिसमें सिंध नदी पर एक स्टॉप डैम भी शामिल है, एक नाला साइनी मोहल्ले से ऊपर की तरफ सिंध नदी में जाता है, उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, पानी शुद्ध करके छोड़ा जाएगा, और नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, 3 बड़ी टंकियां हैं और कई किलोमीटर सप्लाई लाइन पूरी तरह से नई, 28 करोड़ की वो मिली है, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। आपने कहा सत्ता पक्ष में आप 1 साल आए, तो आपने विद्युतीय क्षेत्र में क्रांति की उस समय, यदि आपको 5 साल आपको मिलते हैं या सत्ता आपकी आती है, तो क्या कुछ करने की सोच है सेवड़ा में, क्या कुछ करेंगे? सेवड़ा में 3-4 चीजें बड़ी बड़ी हैं जो मैं चाहता हूं करना। एक तो दतिया सेवड़ा रोड जो है उसकी चौड़ाई कम है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो उसका चौड़ीकरण होना चाहिए। जैसे पोरसा से आकर सेवड़ा तक वो हिस्सा चौड़ा हो गया है, 36 फुट चौड़ा डम्बर रोड हो गई है, हमारी 18 फुट 20 फुट चौड़ी है, तो उसी मापदंड पे पूरा ये जो स्टेट हाईवे है सेवड़ा से दतिया तक, इसका चौड़ीकरण मजबूतीकरण ये पहली प्राथमिकता है। इंद्रगढ़ में बाईपास बनना बहुत ज़रूरी है, इंद्रगढ़ शहर में ज़बरदस्त जाम रहता है, बहुत परेशान लोग हैं, क्योंकि हाईवे बाजार से ही निकला है, तो ये भी उस हाईवे के चौड़ीकरण में का ही अंग हो या अलग से हो, बाईपास बनना चाहिए। इसके अलावा औद्योगिकीकरण बिल्कुल शून्य है हमारे विधानसभा क्षेत्र में, कोई मीडियम साइज़ की भी इंडस्ट्री नहीं है, एक भी नहीं है हमारे यहाँ, बड़ी तो छोड़ो। तो उसके लिए इंद्रगढ़ को मैंने टारगेट किया, क्योंकि इंद्रगढ़ बढ़ता हुआ शहर है, आबादी बढ़ रही है, बड़े ग्रामीण क्षेत्र का सेंटर है, और वहाँ बेरोजगारी तो सभी जगह है लेकिन वहाँ थोड़ी ज़्यादा है, तो इंद्रगढ़ या आसपास एक औद्योगिक विकास केंद्र बने, एक औद्योगिक केंद्र बने, एक क्लस्टर बने, जहाँ छोटे छोटे उद्योग लगें। हमारे यहाँ कृषि पर आधारित उद्योग लग सकते हैं, गन्ना की पैदावार बहुत हो रही है, शुगर मिल लग सकती है, बड़ी हो छोटी हो, यहाँ हमारे यहाँ धान की पैदावार बहुत है, राइस मिल लग सकती है, पोहा मिल लग सकती है, और इस तरह के उद्योग लग सकते हैं। इसके अलावा भी और उद्योग भी लग सकते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार से कोई योजना ला के मेरा पूरा प्रयास रहेगा, प्राथमिकता रहेगी। हमारे क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा है, आजकल शिक्षा ज़्यादातर प्राइवेट माध्यम से हो रही है, सरकार ज़्यादा पहल नहीं कर पाती है, तो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये चीज़ें, नर्सिंग कॉलेज, ये आजकल बहुत खुल गई हैं, प्राइवेट लोगों ने बहुत खोली हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुली हैं, मतलब तहसील मुख्यालय वगैरह में और ज़िलों में। हमारे यहाँ सेवड़ा में उस क्षेत्र में हम पिछड़े हैं, कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट न तो सेवड़ा में है, नंदरगढ़ में प्राइवेट हैं जरूर 2-3, लेकिन उस स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो ये भी मैं चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई जाए, जिससे लोग पढ़ लिख कर तैयार हों तो उनको नौकरियाँ मिल सकें, पॉलिटेक्निक है, ITI है, ये सब खोली जाए जी। तो आपका ये 4-5 आपने विकास के आयाम बताए हैं, यदि आपकी सत्ता आती तो आप ये करेंगे। अभी आप... एक और चीज़ रह गई, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, इंद्रगढ़ के लिए तो हम औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाहेंगे, सेवड़ा के लिए मेरा टारगेट है कि बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होना चाहिए, धार्मिक पर्यटन भी और वैसा पर्यटन भी। सेवड़ा में नल जल योजना के लिए स्टॉप डैम बन रहा है,
जिससे लगभग 1 किलोमीटर तक नदी में 12 महीना पानी भरा रहेगा। तो हम वाटर स्पोर्ट्स के लिए, नौकायन वगैरह के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। सेवड़ा धार्मिक क्षेत्र भी है, मेले लगते हैं, तो उसको भी और विकसित किया जा सकता है। एक रिवर फ्रंट बनाया जा सकता है सेवड़ा में, और धार्मिक गतिविधियों के लिए थोड़ी ज़्यादा सुविधा मिले। एक हमारे यहाँ कोरोना से एक अच्छी चीज़ होने लगी है, कोरोना के टाइम पर लोगों का आवागमन बाधित हो रहा था, तो बहुत से लोग अपने परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अस्थियां लेके इलाहाबाद नहीं जा पा रहे थे, तो उनने सनकुआ, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है, 68 तीर्थों का भानेज माना जाता है, तो वहाँ बहुत बड़े क्षेत्र के आसपास के लोग वहाँ अस्थि विसर्जन करने लगे थे, जिसमें आपके लाहौर क्षेत्र के भी, भिंड क्षेत्र के भी लोग थे। तो वो कोरोना के बाद भी वो परंपरा थोड़ी बनी हुई है और लोग आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब इलाहाबाद हमारे एरिया में कम जाते हैं, खासतौर से जो गरीब तबका है वो सनकुआ में अस्थि विसर्जन कर देते हैं, जिससे हमारे यहाँ थोड़ा बहुत रोज़गार मिल रहा है। 10-20 पंडित परिवारों को रोज़गार मिला है। ये चीज़ें थोड़ी और बढ़ें, धार्मिक स्थल के रूप में और विकसित हो, तो ये चीज़ें नहीं, ये तो आपने सारा बता दिया, ये तो तभी कर पाएंगे जब सरकार बनेगी, नहीं बनी तो क्या करोगे आप? नहीं बनी तो लड़ाई लड़ेंगे, दबाव बनाएंगे सरकार पे। अभी आप 33,000 से जीते थे, आपके आप कितने वोटों से जीत सकते हैं आप? ये तो देखिए, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकता। जनता की नब्ज बड़ा मुश्किल होता है टटोलना। नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति बड़े मार्जिन से जीतता है, कि जो भी कारण रहता हो, इमीडिएट समीकरण बने या क्षेत्र की परिस्थिति जैसी हो, बड़े मार्जिन से कोई जीतता है तो जनता की उम्मीदें भी उतनी बड़ी हो जाती हैं, उतनी ज़्यादा होती हैं। और इसीलिए मैंने 5 साल ज़्यादा मेहनत की, ज़्यादा घूमा फिरा। अगर मैं थोड़ा भी आलस कर जाता तो जनता नाराज़ होती, क्योंकि उम्मीद बहुत थी जनता को। और दूसरी बात मैंने बताई, विपक्ष में होने के कारण पूरी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया, सारा कुछ नहीं कर पाया जो देखा था, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि शायद ये मार्जिन कम नहीं हो पाएगा। बड़ा सवाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आ गया है कि 33,000 से जीते थे, ये मार्जिन हम कम नहीं होने देंगे। कुंवर घनश्याम सिंह का सीधा बयान आपकी जन अदालत न्यूज पर, कहीं ना कहीं आपके अपने ही आपके विरोध करने में लगे हुए हैं। टिकट की दौड़ में भी बहुत दौड़े, लेकिन आप वो पीछे हो रहे हैं, बहुत सभाएं भी कर रहे हैं आप लग रहा है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये आपके सामने ना आ जाए? देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था, इतने बड़े मार्जिन से जीतने वाले सिटिंग एमएलए का टिकट कटता नहीं है, जब तक मैंने आपको बताया 2-3 परिस्थितियां ना हो, शारीरिक रूप से वो सक्षम ना रह पाए अपने कर्तव्य में वापस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट जो लोग क्षेत्र में मांग रहे थे, केवल एक उम्मीद से मांग रहे थे कि शायद घनश्याम सिंह जी को दतिया शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को वही हरा सकते हैं, ऐसी र्यूमर थी। इसी उम्मीद में लोग टिकट मांग रहे थे, बाकी नॉर्मली तो किसी भी समझदार व्यक्ति को नहीं मांगना चाहिए था। तो इसलिए कोई ऐसी खास बात नहीं है। अगर किसी को लगता है, और मान लो हो ही जाता आखिरी टाइम, मुझे अगर दतिया भेज दिया जाता, वहाँ कोई तैयारी नहीं होता तो दिक्कत आती पार्टी को। तो अगर 2-3 लोग घूम रहे थे, अपनी स्थिति बनाना चाह रहे थे, तो अच्छी बात है, मुझे उसमें कोई बुराई नहीं। नहीं तो आपका अब आपको टिकट मिल गया है, आपको तो आपका साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि दूसरी पार्टी से आ जाएंगे? क्या है, आदमी टिकट की एक ऐसी चीज़ होती है, ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, उसका पैसा खर्च हो जाता है, तो उसे बुरा लगता है। अक्सर ये देखा गया है, लेकिन मुझे लगता है ईश्वर सभी को सद्बुद्धि देगा। हमारे बड़े नेता भी लोगों से बातचीत करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा विरोध करे। और क्या है, आजकल जनता बहुत समझदार हो गई है, पार्टी में रह के कोई चुपचाप कानाफूसी करता है, विरोध करता है, तो जनता मानती नहीं है आजकल। सामने रह के आप विरोध करो तो शायद मान भी जाए जनता। तो आपकी जन अदालत न्यूज पर आज हमने तमाम सवालों को लेकर चर्चा की है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ, और अपने विधायक घनश्याम सिंह के जो भी उन्होंने बताया कि वो आगे समय क्या करने वाले हैं या क्या करेंगे या उन्होंने क्या किया है, उसके संबंध में लेकर आपके क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। दूसरी खबर में आपकी जन अदालत।